अस्सलाम वालेकुम जी। अज तुहानू असी ये जनाब केरी दा लंटर पा के विखावांगे कि केरी होंदी की है ते लंटर किस तरह पाए। देखो तुसी जनाब ये हुण शुरू हो गया सी, बस ये केरी नू मिक्स कर रहे हैं सिमर दे विच। हाँ जी, वीडियो तो तुसी माशाल्लाह वेख ही आए हो गए ते असी अज तुहानू केरी दा लंटर विखा रहे हैं। यह केरी दा लंटर पी है, पहले बहुत ही ज़्यादा मजबूत है माशाल्लाह, वेखो तो वजन भी पिया और काफ़ी छत्तों के उत्ते पहले लंटर ये पाया केरी दा, ठीक है। तो अज असी इस छत के उत्ते केरी दा लंटर पावांगे, ठीक है। ये पट्ठे तो केरी लभदी है, बिल्कुल फ्री होंदी है। जे अगर पैसे कोई लैंदा भी है तो बिल्कुल थोड़े जायज़ मुनासिब काम होंदा, ठीक है। सीमेंट का खर्चा होंदा सिर्फ। तो केरी दियाँ चार रेड़ियाँ लैके एक बोरी सीमेंट बीच मिक्स करनी होंगी, रेत भी कोई नहीं पानी होंगी। तो छत कोई भी होते बस इनू एक तह लानी होंगी है, तीन या चार इंची की या ढाई इंची की, ठीक है। केरी की तह लावे तो असी तुहानू विखाने क्या, वेखो तो आओ तुहानू विखाने कि काम किस तरह करीदा है। हम वेखो थले असी कानी बना के उस पानी पा सड़ा, ठीक है। पानी पाया वे फिर इन मिक्स करा, मिक्स करके फिर उत्ते असी उत्ते लियावे सट के तंगारियों के नाल, ठीक है। तंगारियों में बना के पार लीए, ठीक है। तो उत्ते फिर गज के नाल और गरमाले के नाल यदा काम किया जाएगा। यह वेखो एक तह बन के पी आती है, तो माशाल्लाह बहुत यदा बहुत ही अच्छा रिजल्ट होंगे है। वेखे सीमेंट के उत्ते यानी कि सट दे, यदा बहुत ही अच्छा रिजल्ट होंगे है। यदा यानी कि चौन वाला सिस्टम नहीं होंगे बिल्कुल। यह सारी लेबर लगी है, काम कर रही है, मुड़े बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो यह सारे छत के उत्ते जनाब केरी पै गई है। इस उत्ते हुण आखिरी काम रह गया सिर्फ और सिर्फ उत्ते चट देनी है सीमेंट की, बेहतरीन काम हो जाएगा इंशाल्लाह।